बनारस में भगवान शिव की नगरी में भक्तों ने रंग भरी एकादशी के दिन भजन कीर्तन करते हुए भक्ति रस में डूबकर भगवान के साथ होली खेल कर इसकी शुरुआत की और भगवान से प्रार्थना की कि चैत से शुरू होने वाले हिंदू नव वर्ष सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली वाला रहे। रामपुर में उर्दू गेट गिराए जाने और फिर आजम खां के ट्रस्ट जौहर द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन को खाली कराकर सरकारी यूनानी अस्पताल को कब्जा सौंपने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से नाराज समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। उनकी शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक जांच कमेटी गठित की है जिसमें कमिश्नर मुरादाबाद मंडल और आईजी मुरादाबाद से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। ये जांच कमेटी रामपुर पहुंची और लोगों के बयान दर्ज किए। कोतवाली कर्नलगंज के पहाड़पुर की घटना, जहां 3 साल पहले देवी की बहन की संदिग्ध मौत हुई थी, 3 साल बाद बहन की मौत का बदला लेने के लिए भाई ने अपने ही जीजा को गोली मार दी। गोली लगने से जीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायल को CSC कर्नलगंज भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। देवरिया में एक होली मिलन कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां लोग जाति पात और सारे गिले शिकवों को भूलकर एक दूसरे के गले मिले और जमकर अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान कुछ कलाकारों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत से की। उसके बाद होली के गीत की शुरुआत हुई, जिसका लोगों ने जमकर आनंद लिया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक का कहना था कि ये कार्यक्रम आपसी भाईचारे के लिए किया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए थे। ये आपसी भाईचारे के लिए किया गया था होली मिलन का कार्यक्रम, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग आए हैं और सबसे आपसी भाईचारे के लिए प्रोग्राम रखा गया था। आपको क्या चाहिए? जी, उसी के लिए रखा था कि सब लोग एक साथ मिलके होली मिलन कर रहेंगे, सब लोग एक साथ खाएंगे और एक साथ एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके आगे जो भी त्यौहार होंगे हम सब मिलके साथ मनाएंगे। दिल्ली के ISBT रोड धर्मपुरा की लाल बत्ती के नजदीक एक पेप्सी से भरे तेज रफ्तार डंपर ने रोड के किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को पास के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है।